मुसीबत तो ये है कि हमारे मुल्क में थिएटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब मेरा अपना ही बाप मेरे इस प्रोफेशन को कंजरखाना कहता, कर लीजिए बात। नहीं बाप है, मत कीजिए, आप लोग भी कम नहीं है। आपका अपना बेटा की नहीं 30 करोड़, और वो भी शराफत और इज्जत के साथ। अब अपना टीम टाम उठा और अपने इन तुच्छों के साथ किसी दूसरे शहर का रास्ता नापो। तुच्छा किसको बोला है? शांति नागदंश, शांति। शांति का रास्ता ही तुम्हारे लिए मुनासिब होगा अजगर, क्योंकि मेरी नजर में तेरी औकात उस अजगर से ज्यादा नहीं जिसे सपेरा अपने गले में लटकाकर चौराहे पर लोगों से रुपया दो रुपया ऐंठ लिया करता है। मैं तुम्हें ये मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत देता हूं। जिन साहिबान को हमारी निजी समस्याओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं, या जो सिर्फ स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स पढ़कर किसी गलत फहमी में यहां आ गए हो, कि शायद उन्हें किसी सेक्स कॉमेडी के डबल मीनिंग डायलॉग्स के साथ साथ अदरंगी छातियां और जंघाएं वगैरह दिखाई जाएं, और अब यहां मुझे इस हालत में खड़ा देख के मनी मन अपनी गलती पर पछता रहे हैं, वो सब बाइज्जत उठकर यहां से जा सकते हैं। जी हाँ, अगर इस तरह कुछ लोग यहां मौजूद हैं तो बिल्कुल मत शर्माएं, बल्कि इस अंधेरे का पूरा पूरा फायदा उठाएं। आपको कैसे मालूम है कि मुक्ता मर चुकी है? जी जी हाँ। सर, क्या सचमुच आपको डॉली की गिरफ्तारी पर अफसोस हो रहा है? हाँ है। कानून की नजर में डॉली ने जुर्म जरूर किया है, मगर मेरी नजर में वो एक बेगुनाह मुजरिम है। अब आप मेरी तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं मिस्टर कार्लोस, क्योंकि अब उनमें हथकड़ी पहनाने का वक्त आ गया है। जो उजले नक्शो निगार तुम्हें हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारा अपना ही काफिला था। उसे भुलाओ नहीं, उसे छोड़ो नहीं, उसके वारिस बनकर रहो। कस्तूरी, तुमने नहीं देखा, हर कारखाना का पास एक स्लम, झोपड़पट्टी। हाँ, झोपड़पट्टी होता है जिसमें उस कारखाना में काम करने वाला वर्कर मजदूर रहता है। हमारा कारखाना का पास वाला झोपड़पट्टी में ये लोग रहेगा और हमारा मजदूरी करेगा। दुनिया में शायद यही एक ऐसा रिश्ता है कि बेटा बाप से आगे भी निकल जाए तो उसकी तरक्की को देखकर बाप को उससे कभी जलन नहीं होती, बल्कि फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। और उन्होंने हमको 10 कोस दूर दौड़ा दिया और कहा कि रात को वहीं रहना, दूसरे दिन वापस आना, और फिर हमारी औरत को बुलवा भेजा। वो बेचारी क्या करती, चली गई। तुम अपने जुर्म को मां बदौलत से बेहतर जानते हो, लिहाजा तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें। बेगैरत, हमारी आंखों से आंखें मिलाकर झूठ बोलने की जरूरत करता है,
जंजीरों में जकड़ कर ले जाओ इसे इन दोनों शहजादों के साथ, और तब तक इन तीनों को मौत के साए में जिंदा रखो जब तक हम इनकी तकदीर का फैसला नहीं करते। कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान की सल्तनत सल्तनत नहीं। हमें वहां की जरखेज जमीन और खूबसूरत वादियों को हासिल करने का कोई लालच नहीं है। दरअसल कश्मीर एक ऐसा दरवाजा है जिसकी दहलीज को पार करके सदियों से बाहरी दुश्मन और लुटेरे हिंदुस्तान पर हमले करते रहे हैं। मैंने कितनी बार तुमसे कहा था कि उस कमीने पर भरोसा मत करना। सांप है वो सांप, दो मुहा सांप, पता नहीं कब कहां किधर से डस लेगा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि ये कानूनी पचड़े छोड़ो और फौरन जाकर बरबोजा भाई से मिलो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। और अब देख लो, मेरा सब कुछ अपने नाम लिखवाकर उसने कोर्ट में उन्हीं कागजात को मेरे खिलाफ एक पुख्ता सबूत, एक डेडली वेपन की तरह इस्तेमाल कर दिखाया। काश मैं वही सबके सामने उस हरामखोर का खून कर पाता। काश यहाँ तक कि नौकरी के लिए जुगाड़, छोकरी के लिए जुगाड़, पेट के लिए जुगाड़, सही रेट के लिए जुगाड़, अच्छे थिएटर में डेट के लिए जुगाड़, आर्ट के लिए जुगाड़, कल्चर के लिए जुगाड़, महानता के लिए जुगाड़, समानता के लिए जुगाड़, जिंदा रहने के लिए जुगाड़, कुछ कहने के लिए जुगाड़, जुगाड़ों की किस्में है। रिश्तों के जुगाड़, पुश्तों के जुगाड़, नोटों के जुगाड़, खोटों के जुगाड़, अगवाड़ों के जुगाड़, नैनारों के जुगाड़, धार्मिक प्रचारों के जुगाड़, भाईचारों के जुगाड़, मजहबी अदारों के जुगाड़, फिल्मी स्टारों के जुगाड़, रथ यात्रा के जुगाड़, पद यात्रा के जुगाड़, अस्थि कलशों के जुगाड़, अंतिम दर्शों के जुगाड़, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, हर कदम पर लेवल पर मकाम पर जुगाड़, जुगाड़ एक जहर, जुगाड़ एक क्राइम, जुगाड़ चीत का चीत फाड़, गंदगी मलवा कालक सराय।